दोस्तों मैट्रिक्स मूवी तो आप सबने देखी होगी, उसी पर आधारित एक गेम बना दिया गया जिसका नाम है एंटर द मैट्रिक्स। वही स्टोरी लाइनअप जो मैट्रिक्स वन में देखी थी, वही स्टोरी इसमें इस गेम में देखने को मिलती है। तो पेश है आपके सामने डॉल्फिन एमुलेटर के ऊपर ये मैट्रिक्स गेम, जो कि आपको मिल जाएगा। आप आराम से इस गेम को खेल सकते हैं, काफ़ी सारे कंसोल पर उपलब्ध है, लेकिन अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा लो एंड डिवाइस वाला है तो आप डॉल्फिन एमुलेटर को ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा गेम, पर थोड़े से बग्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ज़मीन पर लाइटिंग होती है तो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होने लगता है, बस यही आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब आपका गेम बहुत ही स्मूथ चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मैंने प्ले स्टोर पर जो उपलब्ध है डॉल्फिन एमुलेटर वो ट्राई किया हुआ है इसमें, लेकिन वो क्या है, ठीक नहीं चलता है इसमें। थोड़े थोड़े वक्त चलता तो है सही, लेकिन उसमें स्मूथ नहीं चलता है, बहुत ही लैग करता है, पता नहीं क्यों लैग करता है। इतने सारे अपडेट होने के बाद भी लेटेस्ट वर्जन है वो भी ट्राई किया हुआ है, तो वो अगर प्ले स्टोर पर मौजूद है उसे ट्राई करते हैं तो वही लैग देखने को मिलता है। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक दे दूँगा एमुलेटर डॉल्फिन वाला, वो वर्जन अब तक का सबसे बेस्ट वर्जन रहा है, जो कि इन गेम को चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस दिखाता है, बहुत ही गजब चलता है गेम। यहाँ तक कि आपको 50 से 60 FPS ईजिली मिल जाते हैं। और भाई मैंने जब इस गेम को खेला ना तो मुझे लगा कि मैं कोई मैक्स पेन सीरीज़ खेल रहा हूँ। हाँ जी, मैक्स पेन 1, मैक्स पेन 2 आपने खेली होगी रॉकस्टार गेम की, तो फिर ऐसे ही इसमें फीलिंग आने वाली है, वही बुलेट टाइम इसमें होने वाला है, यानी कि कम समय को रोक करके बंदों को मारना इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो मैक्स पेन की सीरीज़ की याद दिलाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये गेम, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल है Realme C3 है, 4 GB रैम वाला वेरियंट है, जो कि G70 प्रोसेस है, जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट तो नहीं कह सकते, मीडियम डिवाइस ही बोल सकते हैं इस चीज़ को। और G70 जो प्रोसेसर होता है वो 660 के स्नैपड्रैगन के आसपास होता है, तो आप इस गेम को खेल सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पर एमुलेटर को ट्राई करोगे इस गेम को रन करने के लिए, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। जो मेरे मोबाइल में स्कीम चल रही है ना, वैसा ही आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्मूथनेस। और अगर आप प्ले स्टोर पर उपलब्ध जो प्ले स्टोर पर जो मौजूद है ना आपका डॉल्फिन एमुलेटर, अगर उसको ट्राई मारोगे तो ये गेम बहुत लैग करेगा, पता नहीं क्यों लैग करता है इतने अपडेट होने के बाद भी। लेकिन मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसी को ट्राई करना आप, तो गेम आपका बिल्कुल मक्खन चलेगा बिल्कुल। और बाकी सब सेटिंग्स में बता दूंगा वीडियो के एंड में, तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखें कि आपको डॉल्फिन एमुलेटर में क्या क्या सेटिंग्स रखनी है। गेम का साइज़ है जो आपका 1.5 GB के आसपास है, और ये जो मेरा है Part 1 है, यहाँ जी Disc 1, पता नहीं Disc 2 भी होगा इसका, लेकिन मैं Disc 1 ही खेल रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस गेम खेलने में। वही आपको स्मिथ नियो वाली स्टोरी देखने को मिलेगी अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है। तो मैंने पर्सनली ये फील किया है कि भाई डॉल्फिन एमुलेटर के जितने भी गेम होते हैं वो इतने मस्त चलते हैं, गजब चलते हैं अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो। अगर इसके इसी जैसे गेम और भी हैं, जैसे कि आपके Diamond PS2 में बने हुए हैं, तो अगर मैंने वो भी ट्राई मारे हैं, लेकिन वो इस मोबाइल में वेरियंट में क्या है, लैग करते हैं, बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, तो इसलिए डॉल्फिन एमुलेटर सबसे बेस्ट एमुलेटर है अगर आप कोई PC कंसोल गेम खेल रहे हैं तो। इसकी सेटिंग्स क्या रखनी है आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, रमल को आपको डिसेबल कर देना है, और आपको एमुलेटर क्लॉक की स्पीड जो है आपको इनेबल करके 40% पर कर देना है, इससे आपका गेम जो है मक्खन चलेगा एकदम मस्त। और आपकी थोड़ी सी सेटिंग्स और हैं वो भी आपको कर लेनी है, आपको एनहेंस में जाना है, यहाँ पर इंटरनल जो रिजोल्यूशन दे रखा है उसको आपको 1x पर ही क्लिक कर देना है, और आपको गेम एकदम मस्त चलेगा, मक्खन चलेगा। अच्छा करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।